रुपए में मात्र सर्दियों के अंदर ये तुलसी जो है आप हरी भरी करके दिखाऊंगा मैं कि कैसे ये सर्दी दिसंबर के जनवरी के महीने में आपकी तुलसी जो है सूखी हुई तुलसी हरी भरी हो जाएगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि ये हम सर्दी में अपने घर में तुलसी माँ को हरा भरा कैसे रखेंगे। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये तुलसी इस जनवरी के महीने में भी बिल्कुल हरी भरी है, तो इसकी मैं कंप्लीट जानकारी दूंगा और ये बताऊंगा कि आखिर 2 रुपए में तुलसी हमारी हरी भरी कैसे हो सकती है सर्दी भरी सर्दी के महीने में। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि इसके तुलसी के गुण क्या हैं, क्यों हमें तुलसी लगानी चाहिए घर में, और कुछ मिथ्या बातें भी इसके साथ जुड़ी हुई है जिसका मैं साइंटिफिक रीज़न बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है आप सभी बने रहेंगे और देखेंगे इसमें कि हम हरी भरी तुलसी कैसे रखेंगे, क्या मेडिसिनल वैल्यू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं ये तुलसी है, और तुलसी जो है मोस्टली हमारे घर में स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से पूजनीय पूजा पाठ के लिए लगाई जाती है। पूजा पाठ में इसके पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ कुछ इसकी जो है आयुर्वेदिक गुण भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि सर्दी जुखाम खांसी हो या शरीर से किसी तरह की टॉक्सिन निकालने की बात हो तो तुलसी की याद हमें आती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ एक मिथ्या जुड़ा हुआ है, लोग कहते हैं तुलसी को चबाना नहीं चाहिए। इसका कोई मिथ्या और कोई स्पिरिचुअल रीज़न नहीं है, इसका एक साइंटिफिक रीज़न है। तुलसी के अंदर भरपूर मात्रा में मरकरी होती है, मरकरी मतलब पारा, पारा होती है तुलसी के अंदर, और जब हम इस तुलसी के पत्ते को मुंह में चबाते हैं तो हमारे दांतों के ऊपर जो इनेमल होता है जो हार्ड इस तरह से देखिए ये है, इसको हम अगर ऐसे ऐसे करके चबाएंगे तो इसमें से जो मरकरी है पारा है वो हमारे दांतों के साथ रिएक्शन करेगा। तो इसको खाना का है, कैसे है आखिर, ये देखिए ये पत्ता लेंगे और सिर्फ इसको हम जीभ के नीचे ऐसे करके रख लेंगे और इसका जो धीरे 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 एक्सट्रैक्ट है वो अपने आप ही आपके शरीर में चला जाएगा, गले में चला जाएगा, और ये शरीर को टॉक्सिन फ्री करता है और जो हमारे गले को ठीक रखता है। जो ये गले में टॉन्सिल की शिकायत अक्सर लोगों में होती है, इधर और इधर दर्द, इसके साथ बुखार, इसको ये दूर करता है। दूसरा तरीका ये है दोस्तों कि जब भी आप पानी पिए उसमें 4-6 पत्ते तुलसी के डाल करके उबाल लें और उस पानी का सेवन करना चाहिए आपको, खासकर किन महीनों में। एक तो ये सर्दी के महीनों में ज़्यादा दिक्कत होती है हमारे गले में, दूसरा जो बरसाती समय होता है उस टाइम पानी में बैक्टीरिया या वायरस बढ़ जाता है, क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, जिस वजह से हमें बुखार, वायरल फीवर और ना जाने कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। तो उसमें हमें क्या करना चाहिए, जो पानी हम पीते हैं उसके अंदर उसको डाल के उबाल लेना चाहिए और फिर उसका जो है सेवन करना चाहिए, तो आपका शरीर फिट रहेगा, बीमारियां जो है ये छोटी छोटी बीमारियां और बड़ी बन जाती हैं ये आपकी नहीं लगेंगी। एक और मिथ्या इसके साथ जुड़ा है दोस्तों कि इसको जो है हमें तुलसी को संडे को पानी नहीं डालना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मान लो कि 4 दिन आप घर से बाहर थे, तुलसी आपकी सूख रही है और आप पानी नहीं डालेंगे, आज संडे है तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा, तो संडे मंडे का ऐसा कोई इशू नहीं होता है, एक मिथ जुड़ा हुआ है इसके साथ। आगे आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से हमारी जो तुलसी है वो हरा भरा रहे। आप देखिए सर्दी का समय है, दिसंबर या जनवरी का महीना ये चल रहा है, हम इतने इतने कपड़े, मुझे भी देखिए मैंने 3 कपड़े पहने हुए हैं, अपने आप को ढका हुआ है, टोपी भी पहन लेंगे, इसके बाद भी एक दिन सूरज ना निकले तो हम कहते हैं कि हम तो मर गए जी ठंड में, जबकि हम खा भी अच्छा रहे होते हैं, कोई तिल के लड्डू खा रहा है, कोई पंजीरी खा रहा है, कोई बादाम खा रहा है अपने आप को गर्म रखने के लिए। मूंगफली देखिए सड़क पे जो है ना ढेर लगा के मूंगफली बिक रही है आपकी, हम अपने शरीर को करने के लिए इतना करते हैं। और तुलसी को क्या करते हैं, हम एक चुन्नी जो है माता है, एक चुन्नी हम उड़ा देते हैं पतली सी, तो उसमें दोस्तों क्या होता है कि इनकी ठंड नहीं रुकती, तुलसी कभी भी सर्दी बर्दाश्त नहीं करती, ज़्यादा पानी बर्दाश्त नहीं करती। तो तुलसी को क्या है आपको बचाने के लिए, ये 2 रुपए का मोमजामा लेना है, इसको देखिए स्टेपल से इस तरह से कोन बना देना है, जैसे कि पहाड़ों में चीड़ के पेड़ होते हैं, इस तरह का बर्फ गिरती है वो नीचे सरक जाता है दोस्तों, इस तरह से कोन बन जाता है, और इस कोन को क्या करना है हमें, ये देखिए रात को तुलसी के ऊपर ढक देना है ऐसे, तो इस तरह से रात को ढक देना है। इसमें क्या होगा कि आपके तुलसी को जो है ठंडी हवा
या रात को जो पाला पड़ता है वो आपकी तुलसी पे नहीं लगेगा और सनलाइट लगेगी। तो सनलाइट लगेगी, हवा लगेगी, लेकिन वो जो ठंडी हवा है वो नहीं लगेगी, पाला नहीं पड़ेगा। आपकी तुलसी जैसे मेरी, देखिए ये हरी भरी बची हुई है, इसी तरह जनवरी दिसंबर के महीने में भी हरी भरी रहेगी। एक ये करना है दोस्तों आपको। दूसरा क्या है दोस्तों, मैंने बताया 2 रुपये की चीज़, ये देखिए एक जो है तुलसी को कैल्शियम की ज़रूरत होती है, और कैल्शियम हमारे समाज में किससे मिलता है, जो चलन है वो हड्डियों का चूरा या बोन मील कहते हैं, जबकि ये स्पिरिचुअल पौधा है दोस्तों, इसमें हम ये चीज़ नहीं डाल सकते। ये देखिए आपके आस पड़ोस में ये 2 रुपये की चीज़ उठाइए, ये है स्टोन डस्ट, ये स्टोन का पाउडर, पत्थर का पाउडर होता है, वाइट पत्थर का इस तरह का, देख लें ध्यान से देख लें आप, और इसको आपने क्या करना है, 2 मुट्ठी जो है 6 महीने में इसमें डालना है। ये देखिए इस तरह से डाल के, ये देख रहे हैं इस तरह मैंने ये 2 मुट्ठी इसमें डाल दिया, और खुरपी से ये देखिए ये इस तरह से गुड़ाई कर दी ताकि ये अंदर चले जाए। अब इसके अंदर दोस्तों है क्या, इसके अंदर बहुत ही ओरिजिनल फॉर्म में जो है, इसके अंदर ओरिजिनल फॉर्म में जिंक है, फॉस्फोरस है और कैल्शियम है। नेचुरल फॉर्म में जिंक क्या करता है, इसको हरा भरा रखने का काम करता है, और फॉस्फोरस और कैल्शियम जो है इसको स्ट्रेंथ देने का काम करता है, जिससे अच्छी बनी रहती है। तो ये इस तरह से आप अपने घर में हरी भरी तुलसी को सर्दी के महीने में भी रख सकते हैं, छोटे छोटे काम करके, और अपने और अपने परिवार को बीमारियों से बचा सकते हैं। दोस्तों मेरा नाम रामविलास है, किसी तरह की ज़रूरत हो तो आप बात कर सकते हैं।